अब आपको लेकर चलते हैं जरा नोएडा। नोएडा के 123 सेक्टर में डंपिंग ग्राउंड बन रहा है और वहां पर लोगों ने मास्क लगाकर योग किया है। ये विरोध का एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहां के लोगों ने पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया है कि वहां पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लगातार प्रदर्शन करके ये लोग थक चुके हैं। कूड़े पर योगा, देखिए पीछे, सबसे पीछे बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और वहां पर उन लोगों ने लिख रखा है कूड़े पर योगा, मास्क लगाकर। ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक छोटी सी बच्ची ये बता रही है कि अगर कूड़ा घर यहाँ पर आसपास रहेगा तो फिर वहां पर लोगों का रहना दुभर हो जाएगा। आपको बता दें कि सेक्टर 121, 122, 123 में चूंकि ये डंपिंग ग्राउंड बन रहा है तो लोगों के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और वहाँ के आसपास हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं और यही वजह है कि 123 में जो कूड़ा घर, जो डंपिंग ग्राउंड बन रहा है उसका ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब शासन प्रशासन की ओर से उनका जो दूसरा प्रदर्शन था जो पारंपरिक रहता है वो नहीं सुना गया, तो आज इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मास्क लगाकर योगा किया और इस तरह से अपना विरोध जताया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।